तुमको आना पड़ेगा। प्रदीप जी, ये बताइए कि इतने सालों से आप इंडस्ट्री में हैं और आज भी आपको देखते हैं तो उसी तरह खूबसूरत, उसी तरह यूथ है आप में और उसी तरह ही आप तरोताजा लगते हैं, राज क्या है? अच्छा जी, पता नहीं, ये तो ऊपर वाले की देन है, उनकी मेहरबानी है, वरना मैंने कोई स्पेशल प्रिकॉशन तो लिया नहीं जिंदगी में। जिस तरह नॉर्मली मैं जिंदगी में आम लोग खाते पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, उठते हैं, उसी तरह मैं भी हूँ। अच्छा प्रदीप जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए? ये इस पीछे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत जद्दोजहद करना पड़ा। सुखे मैं जिस फैमिली में बिलोंग करता हूँ वो बहुत कट्टर ब्राह्मण और क्या नाम, मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे और उन दिनों में जिन दिनों में मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो उन दिनों में इसको बहुत माना जाता था। तो पहले मैं, बहुत दिन पहले की बात है, 1943 उस वक्त ये लड़ाई चालू, वॉर वॉज ऑन, और मैं अरोरा स्टूडियो, अभी भी है कलकत्ता में ऑन द नॉर्दर्न साइड, वहां एज एन असिस्टेंट कैमरामैन मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। जमीन से हमें आसमां पर गिरा तो न दोगे, अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। तब आपकी उम्र कितनी थी? भाई बहुत कम उम्र, 19, जस्ट 19, आई वॉज जस्ट 19। तो जब आप असिस्टेंट थे तो तब आपके दिल में हीरो बनने की ख्वाहिश थी? हाँ जी, जब मैं असिस्टेंट था तो सामने आर्टिस्टों को देख के और स्टेज पर काम करते करते वो अंदर ही अंदर एक लगन पैदा हो गया था, एक ख्वाहिश पैदा हो गई थी। तो जब अचानक आपको हीरो का रोल मिल गया? हाँ, तो बड़ी खुशी हुई और साथ ही साथ बड़ा बहुत घबराहट पैदा हो गई थी। मुझे याद है पहले दिन शूटिंग में मैं कितने ग्लास पानी पी गया था, मुझे याद भी नहीं है, बहुत ही पानी पी गया था। जब आपने कैरियर शुरू किया और स्टेज भी करते थे तो वहाँ आप ज्यादा बंगला फिल्में देखते थे या हिंदी फिल्में? देखिए, लाजमी है कि बंगाली फिल्म ज्यादा देखा करता था और हिंदी फिल्म भी साथ साथ देखा करता था। मतलब ये दारावनी अशोक कुमार साहब की जो पिक्चर है, तकरीबन सबके सब पिक्चर है, जितनी पिक्चर उनकी आई है, जितनी पिक्चर में उन दिनों में उन्होंने काम किया था, बंधन, झूला, कंगन, किस्मत तो हमारे वॉर टाइम में रिकॉर्ड कायम कर लिए। एक तो वैसे ज्यादा पिक्चरें देखने का मौका नहीं मिलता था उन दिनों में, इतना मैं इन्वॉल्व हो गया था इसमें फिल्म इंडस्ट्री के, देखने का मौका नहीं मिलता था। हम आप अपनी लाश लिए, यही जुनून, यही वहशत हो, यही जुनून, यही वहशत हो, और तू आए, खुदा करे के कयामत हो, और तू आए, हम इंतजार करेंगे। सच बात ये है कि आजकल के जमाने में ज्यादातर किसी में वो गुत्थी नहीं है। उस जमाने में जैसे पीसी बरुआ का नाम लिया, जैसे मैंने देव की बाबू के, इवन मिस्टर विशांतरम के अंदर भी ये बात थी कि जो अमूमन लोग सोच भी नहीं सकते थे कि फला एक्टर, फला आर्टिस्ट ये यही रोल कर सकता है,
इसके अलावा और नहीं, वो हट के करवाना और काम लेना ये रुक जाते थे। वो नहीं है, मतलब वो हिम्मत नहीं है ज्यादातर। अच्छा, एक मवाली ने कल कब्जा जमा लिया है जानी। व्हाट? मवाली ने कब्जा जमा लिया? अरे उसकी क्या ताकत है? आमिर खान, हॉस्पिटल का इंचार्ज वहाँ खड़ा है। अच्छी बात है, मैं भी बस से लेकर आता। आपके जमाने में भी स्कैंडल्स होते थे क्या? होते थे, मतलब ये कि मगर इतना नहीं। रोमांसेस होते थे, चर्चे होते थे। देखिए, रोमांस इज अ वेरी नेचुरल थिंग। रोमांस कैसे होता है? जब बहुत करीब आ जाते हैं एक रोमांटिक सीन के बाद, ये एक हैंगओवर रह जाता है आर्टिस्ट में। उस हैंगओवर में भी रात को तरह तरह के ख्वाब भी देखते हैं। जैसे कि मैं बहुत फ्रैंकली मैं कहता हूं, मैं आज भी मैं मीना को प्यार करता हूं। वो प्यार इसमें मैं रेस्पेक्ट एंड लव एज ए फ्रेंड। काम करके मजा भी आता था और आज भी सोचता हूं कि काश कि वो जिंदा होती थी, इस तरह का रोल करने को मुझे मौका मिल जाता। उसकी रूह सुन रही है। प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस इंटरव्यू को खत्म करने के लिए, कोई प्यारी सी बात, क्योंकि बातें आपके पास बहुत अच्छी अच्छी। मैं क्या कहूँ, मैं कोई नसीहत देना नहीं चाहता हूँ। मेरे फिल्म इंडस्ट्री के सब दोस्तों से मुझे ये कहना है कि लेट देम कीप द फ्लैग फ्लाइंग।